मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। किसने कहा अजय को दिलवाले, कितना होगा फिल्म का बजट? लगता है बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर के सर से सीक्वल का बुखार उतरने नहीं वाला है। अब कैसे बैक टू बैक ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपनी आने वाली सीक्वल्स के बारे में। अब बॉलीवुड के बाजीराव सिंघम भी इसमें शामिल है सबको टक्कर देने के लिए, क्योंकि हाल ही में आई खबरों के अनुसार 1994 में रिलीज हुई उनकी सुपरहिट फिल्म दिलवाले का दूसरा पार्ट बनाने की तैयारियां हो रही हैं। नहीं नहीं, ये रोहित शेट्टी वाले दिलवाले नहीं, ये अजय की ओरिजिनल फिल्म है। अजय देवगन को शुरुआती दिनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर उस दौरान भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और उसमें शामिल होते हैं दिलवाले का नाम, जिसे डायरेक्ट किया था हैरी बवेजा ने। अजय के साथ नजर आए थे सुनील शेट्टी और रवीना टंडन। फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर मेंटल पेशेंट की सच्चाई जानने के बाद उसे न्याय दिलाने की किस तरह कोशिश करता है ये दिखाया गया है। जहां मेंटल पेशेंट बनने थे अजय और पुलिस इंस्पेक्टर बने थे सुनील शेट्टी, और मेंटल पेशेंट बनने से पहले अजय को प्यार होता है रवीना टंडन से। फिल्म की कहानी और किरदारों को क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा काफी प्यार मिला और अच्छी रेटिंग्स भी। वैसे दिलवाले 2 की कहानी क्या होगी अब तक रिवील नहीं किया गया, पर अजय और सुनील फिर से एक बार दमदार किरदार के साथ वापसी कर रहे हैं और करने वाले हैं, ये तो कंफर्म है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि रवीना का क्या, रवीना इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, और इसका कारण है 26 इयर्स पहले हुई अजय और रवीना के बीच की लड़ाई। दरअसल रवीना ने एक इंटरव्यू के दौरान बोल दिया था कि अजय उनसे प्यार करते हैं और उनका परिवार भी उन्हें काफी पसंद करता है, पर ये बात जब अजय को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने ही रवीना की जमकर क्लास लगाई। उस फिल्म के शूटिंग के दौरान भी इन दोनों में अनबन चल रही थी। आप तो अजय को जानते हैं, ऐसी बातों को वो बिल्कुल भी नहीं भूलते, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो रवीना इतना बड़ा मौका गंवा सकती है, उनके पर्सनल झगड़ों का असर उनके करियर पर हो सकता है, और इतनी सुपरहिट फिल्म में कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद कोई और उन्हें रिप्लेस करे ये तो काफी इंसल्टिंग होगा। इस हरकत के बाद अजय तो किसी और के दिलवाले बन जाएंगे, हमारे काजोल मैडम के। वैसे क्या मियां बीवी हैं दिखाई देंगे, काजोल ने भी 2015 में दिलवाले फिल्म की थी। हालांकि दोनों फिल्मों का एक दूसरे से साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काजोल ने खुलासा से बोल दिया था कि अजय उनके दिलवाले हैं जिन्होंने उनका दिल जीत लिया है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में। दिलवाले फिल्म का बजट था 2 करोड़ और कमाई थी 12 करोड़। ये फिल्म उस साल की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हुई थी। अब हैरी बवेजा अगर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो उनका बजट कितना होगा? अगर उनके साथ या उनके अलावा अजय इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे तो लगभग 80 करोड़ तक का बजट हो सकता है, पर ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट पर डिपेंड होगा। ये फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में कोई खबरें नहीं आई हैं, पर आप चिंता ना करें, हम आप तक सारी खबरें लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।